हेलो गाइस, दिस इज चंदन चौधरी। आज मैं इस फॉरेस्ट में आया हूँ आपके लिए इस स्प्रेड दिखाने के लिए। ये फॉरेस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ पर शाम 6 के बाद एंट्री किसी की नहीं होती है। यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पर कई लोग फांसी से लटक कर मरे हैं। देखिए गाइस, ये है वो पेड़। चारों तरफ सुनसान वीराना। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शाम को 5 बजे के बाद नहीं आता है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उनने साफ साफ जंगल के बाहर लिख रखा है, इट्स अ हॉन्टेड प्लेस, यहाँ पर किसी की आने की अनुमति नहीं है। गाइस, ये है वो पेड़ जहाँ पर कई लोग फांसी पर लटक कर मरे हुए हैं। और यहाँ पर ये भी कहना है कि रात में वही आत्मा यहाँ पर भटकती रहती हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई है हम देखते हैं। आज हमारे साथ बने रहिए। हाँ गाइस, देखिए यही है वो फॉरेस्ट जहाँ पर कई लोग फांसी के फंदे पे लटके हैं। और यहाँ पर ये मान्यता है कि रात में यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं, कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं। अब कितनी सच्चाई इस बात की, हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे तभी मालूम पड़ेगा वो सच है कि कहावत है। सुनसान है जंगल में, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर बस चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है। सन्नाटा है इस जंगल में। मैं आपके लिए वो पेड़ फिर दिखाता हूँ जहाँ पर कई लोगों ने फांसी पर लटक कर अपनी जान दी हुई है। यह है वो डरावना पेड़। यहाँ पर एक झरना भी है। कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही है यहाँ पर, जैसे कि कोई कुत्ता रो रहा हो, सियार चिल्ला रहा हो। Thank you.